हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं और आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज हम बात करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन ई गवर्नमेंट एंड ई गवर्नेंस के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है ये, तो पूरा देखना है इसको। और बहुत ज्यादा पॉइंट्स तो नहीं है इसमें बताने के लिए, बट फिर भी 5 पॉइंट्स हैं जिनको अगर आप एग्जाम्स में लिखेंगे तो डेफिनेटली आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि डिफरेंस क्या है ई गवर्नमेंट और ई गवर्नेंस में, ठीक है ना? तो चलिए फिर बात करते हैं इस वीडियो के बारे में। बट उससे पहले मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपको असाइनमेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट में चाहिए, अगर आपको नोट्स बहुत ही सस्ते दामों पे चाहिए, तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है इसे हासिल करने का। आपको सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, और उसके बाद फिर जो ज्वाइन का बटन है इसके ऊपर क्लिक करने के बाद, इग्नू का बीकॉम के ऊपर क्लिक करने के बाद, आपकी नॉमिनल सा फी पेमेंट करने के बाद आप हमारे इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको ढेर सारी बेनिफिट्स मिलेंगे। आपको असाइनमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, आपको बहुत ही सस्ते दामों पे नोट्स मिलेंगे, और आपको 24/7 सपोर्ट मिलेगा। यहाँ पे पेमेंट कर लेने के बाद आपको मोर अबाउट बॉक्स में जाना है, और यहाँ पे आपको व्हाट्सएप का लिंक दिखेगा, जहाँ पे आपको क्लिक करके आपको हमारे जो एक्सक्लूसिव मेंबरशिप प्लान है आपको वहाँ पे हमें ज्वाइन कर लेना है, ठीक है ना? सो इस तरीके से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं बताता चलूं कि अगर आप नए हैं तो प्लेलिस्ट में आप कैसे विजिट करेंगे, आपको हमारे चैनल कॉमर्सी पाठशाला पे आना है। यहाँ पे आने के बाद आपको टैप करना है प्लेलिस्ट पे। प्लेलिस्ट वाले लिंक के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे बहुत सारी चीजें निकल करके आएंगी, इग्नू एम कॉम, इग्नू बी कॉम, इग्नू बी कॉम कॉमर्सी, सीबीएसई कॉमर्स 11 12। तो इग्नू बी कॉम न्यू में आपको जाना है, ठीक है ना? इस पे जैसे ही आप जाएंगे, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के प्लेलिस्ट आपको यहाँ पे दिखने शुरू हो जाएंगे। ढेर सारी वीडियोस आपको इन प्लेलिस्ट में मिलेंगी। आपको अपना कोर्स चूज करना है, सब्जेक्ट अपना चूज करना है, बीसीओसी 138, बीसीओसी 133, जो भी आपका है, उसको चूज करने के बाद उसके ऊपर क्लिक करेंगे आप, तो आपको जो है आपका प्लेलिस्ट नजर आ जाएगा। उसमें जो भी जितनी भी सारी वीडियोस होंगी वो सारी की सारी वन बाय वन जो है स्टार्ट हो जाएंगी, है ना? तो इस तरीके से आप स्टडी कर सकते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। अब हम बात कर लेते हैं हमारे टॉपिक के बारे में, जो कि होने वाला था ई गवर्नमेंट और ई गवर्नेंस में क्या अंतर होता है, ठीक है ना? तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करें तो कि ई गवर्नमेंट और ई गवर्नेंस का क्या ऑब्जेक्टिव्स है, तो देखो यहाँ पे क्या कहता है ये। E-government focuses on improving and accelerating administrative efficiency. देखो, E-government मतलब किसी भी गवर्नमेंट को ऑनलाइन लेकर के जाना ई गवर्नमेंट कहलाता है। ई गवर्नेंस का मतलब हो गया कि गवर्नमेंट के किसी काम को ऑनलाइन तरीकों से करना ई गवर्नेंस कहलाता है। दोनों में आई होप कि आपको समझ में आगे आ रहा होगा डिफरेंस क्या है, है ना? ई गवर्नमेंट का मतलब हो गया किसी भी सरकार को ऑनलाइन लेकर के जाना, है ना? तो ई गवर्नमेंट फोकसेस ऑन इंप्रूविंग एंड एक्सेलरेटिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। जो आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी है उसको आप कैसे इंप्रूव करोगे, उसको आप कितनी जल्दी से जल्दी चीजों को कर पाने के लिए आप इसको ऑनलाइन करोगे, उसे हम कहेंगे ई गवर्नमेंट। ई गवर्नमेंट फोकसेस ऑन इंप्रूविंग एंड एक्सेलरेटिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, वेयर एज ई गवर्नेंस फोकसेस ऑन टू इंक्रीज सिटीजंस इंटरेक्शंस विद देम्स विद इन देमसेल्व्स एज वेल एज गवर्नमेंट एजेंसी। ई गवर्नेंस का मतलब हो गया कि किस तरीके से जो आपके यहाँ के जो सिटीजन है वो आपके साथ कॉन्टेक्ट कर सके, वो आपके साथ इंटरेक्ट कर सके, या फिर सिटीजन एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सके। ई गवर्नेंस का मतलब हो गया कि आपके जितने भी काम, जो आप जैसे कि राशन कार्ड बनवाना हो गया, आधार कार्ड बनवाना हो गया, कोई भी सारी चीज आप किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिकली लोगों तक प्रोवाइड कर रहे हैं, लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, और लोग एक तरीके से गवर्नमेंट के साथ भी कंट्रीब्यूट कम्युनिकेट कर पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ई गवर्नेंस, है ना? सो ये ऑब्जेक्टिव्स हैं दोनों के, ठीक है? अब बात कर लेते हैं बेनिफिट्स के बारे में। तो बेनिफिट्स भी हैं, ई गवर्नमेंट का बेनिफिट्स है इंप्रूविंग सर्विस डिलीवरी। जो भी सर्विस डिलीवरी है उसमें इंप्रूवमेंट आता है, जो काम 2 दिन में होने वाला होता है वो आपका कुछ घंटों में हो जाता है। इंक्रीजिंग मोड्स ऑफ सिटीजंस पार्टिसिपेशन, ई गवर्नेंस में हम जो है सिटीजंस के पार्टिसिपेशन के लिए अलग अलग मोड्स तैयार करते हैं, अलग अलग तरीके बनाते हैं जिसके जरिए सिटीजन जो है वो पार्टिसिपेट कर सके। तीसरा ई गवर्नमेंट का बेनिफिट है इंक्रीजिंग ऑपरेशनल एफिशिएंसी बाय रिड्यूसिंग कंज्यूमर टाइम एफर्ट्स एंड कॉस्ट, है ना? तो यहाँ पे हम जो अपना जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है ई गवर्नमेंट के माध्यम से हम उसको इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंज्यूमर टाइम और एफर्ट और कॉस्ट तीनों का यहाँ पे बचत होती है, तो यहाँ पे हम अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हैं। तीसरा नंबर पॉइंट ई गवर्नेंस का है इंप्रूविंग पब्लिक पॉलिसी फॉर्मुलेशन। जो हमारा पब्लिक पॉलिसी फॉर्मुलेशन है वो बहुत ही आसान होने लगता है। हमारा जो मेन बेनिफिट है वो हमारा यही है कि ई गवर्नेंस करने से हमारा जो पब्लिक पॉलिसी फॉर्मुलेशन है उसमें इंप्रूवमेंट आता है, उसको करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती है और हम आसानी से उस प्रोसेस को कंप्लीट कर पाते हैं। चौथा बेनिफिट जो आपको मिलता है वो ये है कि इंक्रीजिंग आउटरीच ऑफ पब्लिक सर्विसेज। जो पब्लिक सर्विसेज हैं, जो ई गवर्नमेंट है आपका, जो पब्लिक सर्विसेज है ई गवर्नमेंट की, वो उसका जो आउटरीच है वो लोगों तक बहुत ही आसानी से पहुंचाया जा सकता है। आपको कुछ भी ऑनलाइन चीजें बनानी है, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, कोई भी चीज, आप ई गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाकर के, पोर्टल पर जाकर के आप बहुत ही आसानी से उस चीज को कर सकते हो, है ना? यहाँ पे आउटरीच जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ा है। ई गवर्नेंस का मतलब क्या हो गया,
उसका बेनिफिट क्या हो गया चौथा, रीडिफाइनिंग डेमोक्रेसी एंड कम्युनिटीज विद सिटीजन्स एंड विद पार्टिसिपेशन, है ना। तो बेनिफिट जो है ई गवर्नेंस का वो ये है कि यहाँ पर डेमोक्रेसी को एक तरीके से रीडिफाइन किया जा रहा है, डेमोक्रेसी का जो डेफिनेशन था उसको एक तरीके से ऑनलाइन लाया जा रहा है ना। डेफिनेशन मतलब डेफिनेशन जो हम लोग पढ़ते हैं वो डेफिनेशन नहीं, मतलब उस डेफिनेशन को प्रैक्टिकली ऑनलाइन लेकर के आना। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था टू द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल, तो ये हम लोग मुंह से बोलते थे ना, पेपर्स में हम लोग पढ़ते थे, यहाँ पे चीजों को ऑनलाइन करके दिखाया जा रहा है कि देखो इस तरीके से डेमोक्रेसी काम करती है, इस तरीके से लोगों को एक दूसरे के साथ जुड़ना चाहिए, इस तरीके से लोगों को एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए, इस तरह से गवर्नमेंट जो है तैयार होती है, इस तरह से हमें गवर्नमेंट का सपोर्ट करना चाहिए, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें हैं। तो रीडिफाइनिंग डेमोक्रेसी एंड कम्युनिटीज विद सिटीजंस पार्टिसिपेशन, यहाँ पे सिटीजंस का पार्टिसिपेशन ई गवर्नेंस में बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण कारण से हम डेमोक्रेसी का जो जो बेसिक महत्व था उसको हम अभी अचीव कर पा रहे हैं, प्राप्त कर पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ई गवर्नेंस। सो दीज आर द फ्यू पॉइंट्स, दीज आर द फ्यू डिफरेंसेस बिटवीन ई गवर्नमेंट एंड ई गवर्नेंस। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ पे हम फिर से डिफरेंस डिस्कस करेंगे ई कॉमर्स और ई गवर्नेंस के बीच में। तो आई होप कि आपको ये वीडियो भी काफी पसंद आएगा, तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, थैंक यू।